शौक था, लगन था कि मैं पंजाब पुलिस का नाम अपनी बॉडी बिल्डिंग में मैं रोशन करूं। प्रोफेशनल मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब पुलिस में मैंने जवाब भी सिलेक्ट हो गए। मिस्टर लाहौर का कंपटीशन था, ठीक है, उसमें मैंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। 90 के जी की मेरी क्लास थी तो मैंने उसमें मैंने गोल्ड मेडल और इंटर रेंज मैंने उसमें जीती। साउथ एशियन गेम है वो तकरीबन श्रीलंका में मालदीव में इलाके में होती है, तो मेरी वो ख्वाहिश है कि मैं जो है ना एज अ पुलिस प्लेयर बन के तो मैं उधर से मैं अपना गोल्ड मेडल लाऊं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद हैं जो कि मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप 2020, मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब पुलिस इंटर रेंज, इसके अलावा 18 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। आखिर पुलिस की जॉब के साथ साथ उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे हासिल की, ये उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अकीब बेग, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अकीब, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अकीब, ये मुझे बताएं कि ये सब आपने किस तरह से शुरू किया, कैसे सोचा कि बॉडी बिल्डिंग की जाए, अपना जिस्म बनाया जाए? मैं ना बचपन में जो है ना बहुत स्किनी था। अच्छा, तो अच्छा। मेरे दो जो दोस्त थे वो बड़ा मुझे तंग करते थे कि स्किनी है, ये है, वो है। और दूसरा ये है कि मैंने फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए, दूसरा मुझे पंजाब पुलिस में जाने का बड़ा शौक था, ठीक है। अच्छा, तो मैंने फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ मुझे लोग भी तंग करते थे, कुछ मुझे शौक, हाँ जी, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको डिग्रेड ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जो है ना मैंने फिर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। मैंने एज अ कह लें कि फिटनेस, एज अ फिटनेस के मुझे कपड़े पहने हुए अच्छे लगे, तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग जो है ना मैंने स्टार्ट की। कितना वेट था तब आपका जब? मेरा 60 kg था, 60 kg, हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहला मुकाबला आपने कब? मैंने सबसे पहला मुकाबला एज अ, पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया मैंने एज अ फिटनेस की, ठीक है, तो मैंने जो सबसे पहला कंपटीशन था मेरा ख्याल 2014 में मैंने किया और उसमें मैंने फोर्थ पोजीशन जो है ना मैंने हासिल की, ठीक है। अकीब, अच्छा। आपने उसमें फोर्थ पोजीशन हासिल की और उसके बाद फिर आपके वो जो दोस्त आपको डिग्रेड करते थे, हाँ, आपने उनको जाके दिखाया ये? हाँ, मैंने उनको दिखाया भी। दूसरा, अच्छा। ये है कि उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए कहा कि यार आप में टैलेंट है तो आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो फिर मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने उसको उस फिटनेस जो कि मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था उसको मैंने फिर प्रोफेशनल में मैंने आस्ता आस्ता मैंने तब्दील कर दिया फिर आपने उसको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इससे फाइक ये भी जाहिर होता है कि देखें अगर तनकीद को तनकीद ना समझा जाए, तनकीद बराए तनकीद होती है और एक तनकीद बराए इस्लाह होती है, तो इससे आपकी इस्लाह हुई तो ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ? मैंने जब एज अ फिटनेस स्टार्ट की थी तो मेरा यही माइंड था कि मुझे कुछ कपड़े पहने हुए हमें अच्छे लगे। दूसरा ये है कि फिर मुझे शौक भी था पंजाब पुलिस में जाने का, ठीक है। तो जब मैं एज अ प्रोफेशनल मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब पुलिस में मैंने जवाब भी सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हो गई। मुझे ये बताएं कि आपने पहला गोल्ड मेडल कब जीता? वैसे तो आपने 18 जीते हैं शायद, जी, लेकिन पहला कब जीता? पहला मैंने 2015 में पहला मैंने कंपटीशन में मिस्टर लाहौर का कंपटीशन था, ठीक है, उसमें मैंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, ये कितनी देर की, कितनी ड्यूरेशन की मेहनत थी, कितने साल आपने मेहनत की? मैं तकरीबन 2009 में मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, और मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में तकरीबन 2013 में मैं आया था। मतलब आपने 2 साल बिल्कुल फुल मेहनत करके ट्रेनिंग, बिल्कुल, ठीक है। अकीब, उसके बाद फिर आपने पुलिस को ज्वाइन किया? हाँ जी। पुलिस को किस पैशन के तहत ज्वाइन किया और जब आप पुलिस में आए तो फिर आप ये मुझे बताएं कि पुलिस में रहकर आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स विन किए? मैं 2016 में मेरी सिलेक्शन हुई, ठीक है, और ट्रेनिंग जो है मेरी अब्बास लाइन, अब्बास लाइन में ट्रेनिंग मेरी हुई, ठीक है। तो उधर से मैंने जो है ना जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने सबसे पहले, मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मैंने सबसे पहले उधर मैंने जिम ढूंढा, तो मैंने जो है उधर ही थोड़ा बहुत जो मैंने ट्रेनिंग शेनिंग करनी, जो भी हमारा प्रोसीजर होता था, यानी कि पीटी परेड जैसे भी है, उससे मैंने फ्री हो के मैंने, अच्छा। जो है ना मैंने रात को इतना थके होना कि हिम्मत नहीं होती थी जिस्म के अंदर, लेकिन मुझे शौक था, लगन था कि मैं पंजाब पुलिस का नाम अपनी बॉडी बिल्डिंग में मैं रोशन करूं। तो मैंने रात को जाना, शाम को जितना मैं वर्कआउट कर सकता था, आधा घंटा पौना घंटा, और दूसरा जो साथ मेरे नौजवान थे जो मेरे बैचमेट थे उनको भी मैं साथ ही मेहनत मोटिवेट करता था, उनको भी साथ मेहनत करवाता था मैं। पंजाब पुलिस में आए, पंजाब पुलिस में आपने कंपटीशन विन किया पंजाब पुलिस इंटर रेंज का, जी, क्या फीलिंग थी आपकी,
एक तो पंजाब पुलिस का हिस्सा होना, ऊपर से कंपटीशन को विन करना, बाकी जो आपके कोलीग्स आपको देखकर रश कहते हैं ना, रश कर रहा होगा ये आपको देखकर, तो कैसा फीलिंग आ रही थी आपको? वो ना सर 2018 में पंजाब पुलिस की इंटर रेंज हुई थी, तो मैं तो एज आ कहने के मेरिट पे भर्ती हुआ था, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि पंजाब पुलिस के भी कंपटीशन होते हैं, अच्छा, ठीक है ना, मुझे किसी ने बताया कि पंजाब पुलिस का कंपटीशन है, ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग वर्कआउट तो मैं कर रहा था, ठीक है तो वो तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते का टाइम था मुझे, ठीक है, तो मैंने अपनी फिर उधर से मैंने फिर वर्कआउट जो है मैंने 3 घंटे किया वर्कआउट को, उसके बाद जो है जब कंपटीशन हुआ है मेरे 90 kg की मेरी क्लास थी, तो मैंने उसमें मैंने गोल्ड मेडल और इंटर रेंज मैंने उसमें जीती, और दूसरा जो है मैंने जो है जब वो इंटर रेंज मैंने जीती है उसके बाद फिर मैंने जो है आगे जो मेरे टाइटल्स हैं मैंने आगे ड्यूटियां करके मैंने उसको मैंने अचीव किया। मुश्किल नहीं हो जाता है साथ में ड्यूटी और साथ में जिम को कंटिन्यू करना? खुराक भी डिस्टर्ब होती होगी आपकी, डाइट को किस तरह से मेंटेन करते हैं? मैंने बिल्कुल मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर मैंने मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी होती थी तो मेरी जो घर वाले हैं मेरी अम्मी जी हैं उन्होंने जो है ना मेरे डब्बों में मील बना दिए, मेरे 5-6 मील होते थे जो हम वक्फे से हम खाते हैं, ठीक है, तो वो मैंने अपने बैग के साथ अपनी जहाँ मेरी ड्यूटी जानी जहाँ मेरी ड्यूटी मैंने करनी है उधर मैंने जो है वो अपने मील 2-2 घंटे के वक्फे से मैं वो मील लेता था, बाहर का मैं कुछ नहीं खाता था, ठीक है। ये अभी तक आपने कंटिन्यू रखा है या अब आप चीट कर लेते? नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने अभी तक जो है मैंने जो है ना वीक में एक दिन होता है चीट का, अच्छा, वो भी बिल्कुल साफ, नहीं तो मेरा बैग मेरे साथ होता है हर ड्यूटी पे, जिसमें मैंने पानी, हालांकि मैंने पानी भी मैं बाहर से नहीं पीता, पानी भी मैंने पानी वाली बोतलें सारा कुछ मैंने अपने साथ रखा होता है। वर्कआउट करते हैं आप या मैं या कोई भी वर्कआउट करता है तो उसे इंस्टेंट एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए या खाना पड़ता है, वो क्या ले सकता है फिर? वो आप तकरीबन 1 घंटा पहले आप ब्लैक कॉफी ले सकती हैं, अच्छा, ग्रीन टी ले सकती हैं, ओके, और लेनी आपने तकरीबन 1 घंटा पहले है, अच्छा, वो आपको फिर ट्रेनिंग के दौरान वो आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी, ठीक है। अकीब आप दुबई में ट्रेनर भी रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि वहाँ पर किस किस्म की ट्रेनिंग करवाते थे आप और किस तरह के लोग आपसे ट्रेनिंग करते थे? दुबई में मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले जो है ना मैं, अच्छा, उधर मैं एज अ ट्रेनर उधर, यानी कि हाँ जी, ठीक है, तो उधर मैं तकरीबन 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग करवाई है एज अ फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, राइट, ठीक है, तो उधर से फिर मैं जब वापस आया हूँ, वापस आके मैंने फिर अपनी प्रोफेशन, सारी बात प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में कर रहा था, शौक भी था मुझे पंजाब पुलिस का, तो वो जैसे वो इसकी सीटी आई पंजाब पुलिस में मैंने अप्लाई किया, अल्लाह पाक ने करम किया तो मैं पुलिस में सिलेक्ट हो गया। फखर है कीप साहब आप पंजाब पुलिस में आए और आपने पंजाब पुलिस का आकर नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। अच्छा कीप, इन फ्यूचर कोई प्लानिंग है आपकी कि कोई ऐसा कंपटीशन आपने विन करना है जिससे आप मुल्क का नाम भी रोशन करें पंजाब पुलिस का नाम भी रोशन करें? वैसे तब कर रहे हैं जी जी। लेकिन इन फ्यूचर कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसके लिए इंसान तैयारी कर रहा होता है, ऐसा कोई है? मैंने साउथ एशियन गेम है वो तकरीबन श्रीलंका में मालदीव में इलाके में होती है, तो मेरी वो ख्वाहिश है कि मैं जो है ना एज अ पुलिस प्लेयर बन के तो मैं उधर से मैं अपना गोल्ड मेडल लाऊं पुलिस के लिए, तो मेरी ये आपकी ख्वाहिश है, मेरी ये मेरी इंशाल्लाह जी आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है। अकीब, ये सारी अचीवमेंट्स का आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, किसका नाम लेना चाहेंगे? क्रेडिट के लिए तो बंदे तो बहुत हैं, अच्छा, लेकिन जो मेरे नहीं देता जो मेरे करीब जो है वो मेरी वालदा हैं, वालिदा एग्जैक्टली, वो जो 5 टिफिन तैयार करके उनको देती है ना, उनका मैं उनका जिंदगी भर शुक्र अदा नहीं कर सकता। अकीब आपकी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बॉडी है, कभी आपने सोचा नहीं कि आप मॉडलिंग करें? नहीं सर बिल्कुल, मैं मॉडल भी हूँ और एज अ इवेंट्स भी करता हूँ मॉडलिंग। अच्छा, आप मॉडल भी हैं और अभी भी आप मॉडलिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इवेंट्स आते हैं तो मैं मॉडलिंग में भी मैं जो है ना पार्टिसिपेट करता हूँ। थैंक यू सो मच अकीब, थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ ही अकीब जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो हासिल की और पंजाब पुलिस का नाम जो है वो रोशन किया। और इसके साथ ही साथ अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने क्या करना है, आपने हमें फॉलो करना है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करना है। और सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ अल्लाह हाफिज़।